ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब बात करेंगे उत्तर भारतीय संघ के अध्यक्ष और बीजेपी के विधायक आर्यन सिंह की, जिनकी गोरखपुर में आकस्मिक निधन हो जाने के बाद से उनकी स्मृति में मुंबई के बांद्रा इलाके में उत्तर भारतीय संघ भवन परिसर में स्मृति सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर यहां कई हस्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिनमें मुख्य रूप से महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर, भजन सम्राट अनूप जलोटा, यूपी के पूर्व राज्यपाल राम नाईक, महाराष्ट्र बीजेपी के उपाध्यक्ष कृपा शंकर सिंह, कांग्रेस नेता नसीम खान, कांग्रेस के पूर्व सांसद संजय निरुपम उपस्थित रहे। इसके अलावा बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के नेताओं सहित कई समाजसेवी और बुद्धिजीवियों ने भी आर्यन सिंह को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राज्यपाल ने कैंसर सेंटर का भी उद्घाटन किया, जहां देश भर से आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को मुफ्त में रहने का स्थान, दवाएं और 24 घंटे भोजन उपलब्ध रहेगा। इस स्मृति सभा का आयोजन आर्यन सिंह के पुत्र और नवनियुक्त उत्तर भारतीय संघ अध्यक्ष संतोष आर्यन सिंह ने किया। इस मौके पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने आर्यन सिंह को एक आदर्श व्यक्ति बताया और कहा कि स्वर्गीय आर्यन सिंह का भौतिक शरीर भले ही चला गया है, लेकिन उनके काम हमेशा याद रखे जाएंगे। इसके अलावा आर्यन सिंह के बेटे संतोष सिंह ने स्मृति सभा में आए सभी मेहमानों का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि मैं सभी के प्रति नतमस्तक हूँ, आपने जो समय दिया और उसे जीवन भर मैं और मेरा परिवार याद रखेगा। तो वहीं मुंबई बीजेपी के उपाध्यक्ष अमरजीत सिंह ने कहा कि उनके द्वारा अधूरे छोड़े गए कार्य को हम सभी मिलकर पूरा करेंगे, यही उनके लिए असली श्रद्धांजलि होगी। आर्यन सिंह के द्वारा किया हुआ काम जो अधूरा रह गया था, जिसको करना चाहते थे, और उन कामों को हम पूरा परिवार मिलकर हम सब लोग पूरा करेंगे, जिससे वही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि और श्रद्धांजलि होगी। तथा समाज को उन्होंने जो वचन दिया था, वो परिवार आज भी उस वचन पे कायम है, वो सारे काम हम लोग समाज को करके देंगे। वो सभी पार्टियों के नेता थे और समाज के नेता थे। समाज का नेता सभी पार्टियों का नेता होता है, और समाज में कभी उन्होंने पार्टी, कांग्रेस अलग पार्टी, भारतीय जनता पार्टी अलग, ऐसा पार्टी के बारे में कभी सोचा नहीं। हमेशा उन्होंने समाज के उत्थान और समाज को आगे कैसे बड़ा किया जाए, इसके बारे में हमेशा उनका विचार रहा। पहले तो गवर्नर साहब का, राम भाऊ जी का, एक्स गवर्नर जी का, प्रवीण दरेकर जी का, मिलिंद नार्वेकर जी का, हर पार्टी, और नसीम खान जी, भाई जगताप जी का, हर पार्टी के लोग आए। इससे आज हम ये सोच के ये है कि हमारे पिता ने जो ये काम किया है, मतलब कि हर वर्ग के लोग इनसे जुड़े हुए हैं। मतलब कि आज लोग रहते हैं तो बहुत लोग आपसे मिलने आते हैं, लेकिन नहीं रहने के बाद मतलब ये हम इतना हम मतलब हम ऋणी हो जाएंगे समाज का और लोगों का, कि जो आज इतने संख्या में लोग आके और इतना कोविड काल में और ये सब समय में आके भी अपना समय दे रहे हैं यहाँ पे। मैं समाज का और सबका बहुत ऋणी हूँ, और मैं इस चीज़ कभी भूल नहीं सकता।